जब मन ने सच्ची पूछनी अफसोस हो रहा भाई, मैं उस दिन बचना ही नहीं था। 26 दिसंबर ने अगर खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सोनू बाली की राम राम। कैथल के रोहिड़िया गांव में हाँ, और पूरा वीडियो बनाने का अपना मकसद किसान मोर्चा तक उस तक जुड़े हुए लोगों तक यह बात पहुँचाने का था, क्योंकि आंदोलन तो ख़त्म हो गया लेकिन आंदोलन जीतना ही जिम्मेवारी नहीं थी उनकी। उस तक जिस जिस थी और फायदा पहुँचना चाहिए था, जिसका नुकसान हो रहा था उस नुकसान की भरपाई, जो घायल हो रहे थे उन घायलों की मदद करना उनकी भी जिम्मेवारी उन पर बने थी। तो अपने पास में भाई मनदीप है, पानीपत इनका ऊपर को ट्रैक्टर निकल गया था किसान आंदोलन के दौरान, एक साल पहला जब जान लाग रहे थे, तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी में आया, कुल्ली की हड्डी टूट गई थी, पिसाब वाली नाड़ी में दिक्कत आई थी, बहुत सारा पीसा लाग गया, बहुत गणा जो घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। ये फिर दोबारा वही समस्या उजागर हो गई है, ये फिर लाग गएंगे पीछे। कुल मिलाकर अगले पिछले लाओ तो करीबन 28-30 लाख रुपया खर्चा, पहला 15-16 लाख रुपये भाई आगे लाग लिए के कुछ होया था, बातचीत करांगे। राम राम भाई। तो के कुछ होया था एक बार तो वो बता दो थोड़ा सा। भाई मैं 26 दिसंबर ने पानीपत एक्सीडेंट होया था मेरा, मैं दिल्ली किसान आंदोलन में जाऊँ था, तो पानीपत मेरा ऊपर वो ट्रैक्टर निकल गया था, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी, नीचे था टेल बोन, कुल्ले की एक जांग की तो हड्डियाँ टूट गई थी, और मेरी ब्लैडर की नाली कट गई थी परमानेंट। तो उसके बाद में आपने इलाज वगैरह करवाया, कड़ा कड़ा करवाया, के लगभग खर्चा आया था भाई? मेरा हड्डी का इलाज हुआ था आयुष्मान भव हॉस्पिटल है पानीपत में, डॉक्टर SS सांगवान जी के पास, और उनने तो मेरी मतलब मेरे लिए भगवान हो वहाँ, क्योंकि मेरे पर उन्होंने कुछ नहीं लिया, उन्होंने तो मेरा फरी इलाज किया अपना बेटा समझ कर। फिर उसके बाद जैसे ऑपरेशन होया मैं घर आया तो मैं बहुत सारी समस्या हुई मैंने, मेरी नस थी जो छित गई थी, 10 गुना काम करने लग गई, मेरा पैर में भी दर्द होया, तो वो मेरी एक बहुत बदतर कंडीशन थी उस टाइम। फिर मैं रोहतक गया, रोहतक नस मेरी वह ब्लॉक करी, उसमें भी लगभग लगभग मेरे 2-2.5 लाख तो वहाँ लग गए। फिर मैं रोहतक PGI गया, द किडनी हॉस्पिटल पानीपत है वहाँ गया, फिर मैं चंडीगढ़ गया, यहाँ सब ने मेरे को जवाब दे दिया भाई, मतलब 50-60% चांस थे मेरे ठीक होने के। फिर सब ने डॉक्टर कुलकर्णी है पुणे जो यूरोलॉजिस्ट, मतलब सब ने ये कहा भाई इससे बेस्ट डॉक्टर नहीं है कोई। फिर मैं वहाँ गया तो मेरा ऑपरेशन बाथरूम का वहाँ हुआ था। लगभग लगभग कितना खर्चा अब तक आ लिया है भाई? हड्डियाँ पर तो मेरा कुछ भी नहीं आया था, मतलब आया तो यूँ है भाई लगभग लगभग ये लगा लियो 7-8 लाख था, लेकिन मेरे पर कुछ नहीं लिया उस टाइम तो हड्डियाँ के बारे में। उसके बाद अगर मेरा बाथरूम का या मेरी नशा का जो आया लगभग पुणे लगभग 11-12 लाख रुपये हमारे लग गए, बीच में उरा 2-2.5 लाख उरा लग गए, कुछ मेरे जो चंडीगढ़ टेस्ट हुए मेरा इंजेक्शन लगे वायरस थे, 2500 के इंजेक्शन थे, 10-15 दिन वहाँ लग गए, तो 15-16 लाख रुपये लग गए हमारे घर के। तो ईब तक तो आपने किसी तक कुछ नहीं कहा था भाई लैग लिए थे, जिसे घर क्या ने कर्जा लेकर कराया या कुछ भी कराया, इलाज करवा दिया, लेकिन फिर इसी के नौबत आई कि भाई जमा घर के भी बेचारे सिरा पा लिए, आपने भी लग गया कि भाई जिंदगी जीना जमा बेकार था, जिया ऐसा ना जिया भाई। बात नहीं हुआ जो मतलब मेरे घर क्या मेरा खातिर करया, बहुत कुछ करया, मैंने किसी पर बाहर तक मना की कोई लोड़ नहीं पड़ी, ना मैंने मतलब किसी तक कि मैं भी कहा। तो ये मेरा दोबारा प्रॉब्लम हो रही है, मैं फील करूँ मेरा दर्द हो है, तो मैंने डॉक्टर के पास जाना बेटर समझा भाई, एक बार बात कर लूँ, बात करी बताया तो पानीपत भी गया मैं, कोशिश करी भाई उरे तो ठीक हो जाए सब कुछ, लेकिन बोले भाई तू जाया एक बार ऑपरेशन कराया वहाँ जाया, तो दोबारा बात करी उन्हें, बोले भाई आ जा चेक करांगे, और ऑपरेशन अगर करना पड़ा, मैं बोले भाई खर्चा
तो 12 लाख खर्चा बताया, जत जाएगा मेरा तो ये दिमाग बहुत खराब हो रहा है। तो आपने ऐसा लग गया कि भाई तू तो बोझ बन गया अगर क्या भाई साहब, मन ने सच्ची पूछ नहीं, अफसोस हो रहा भाई, मैं उस दिन बचना ही नहीं था 26 दिसंबर, नहीं अगर मेरा कुछ हो जाता ठीक था। तो संयुक्त मोर्चा कह रहा था कि भाई हम उस इंसान के साथ में खड़े हैं, हाँ जो सा इस आंदोलन में हिस्सा दे रहा, कुछ भी होगा तो हम सपोर्ट करेंगे पूरी। तो आपने कोई कागज वगैरह उनके पास में पहुँचाए या कुछ और कराया था भाई साहब? मेरे लोग आए हैं अपने कैथल जिले प्रधान है होशियार गिल प्यो दादा आए हैं, मेरे सांत्वना बहुत दी है, लेकिन फाइल उन्होंने मेरी खुद ले ही कहेगा भाई मैंने फाइल दे मैं तेरी हेल्प करूँगा, मैंने दी उन्हें अगर पंचायत भी है भी कम है, लेकिन मेरी कोई मतलब हेल्प नहीं हो यही तक तो हेल्प नहीं हुई कुछ भी। हाँ मैंने ये 2-3 दिन तक गुरु नाम सिंह चडूनी को फ़ोन वगैरह किए तो सिर्फ मेरा नाम तो देखा मैंने पंजाब केसरी में कि हाँ घायलों की सूची में मेरा नाम था, लेकिन हेल्प की अगर बात करें तो मेरी तो कोई हेल्प नहीं हुई भाई। भाई किसान आंदोलन सब खातर लड़ा गया था, कोई एक आदमी खातर नहीं था यूं, या मनदीप खुद खातर जा रहा उड़ा है या फिर इसका खुद का आंदोलन हो, सब खातर आंदोलन लड़ा था। किसान मोर्चा ने इस चीज़ की जिम्मेवारी भी ली थी भाई कागज वगैरह पंचवा दो हम मदद करांगे, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची है, किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं हुई है। और पहला जो था हो लिया इलाज हो लिया, उसके बाद में जो अगली समस्या आई है कि 12 लाख रुपए दोबारा फिर कह दिया, तो भाई का तो जीण का मन ही खत्म हो गया है। तो यह है इस टाइम पे इस भाई ने है मदद की जरूरत, और संयुक्त मोर्चा था किसे भाई था इसकी ठन्नी भी को नहीं ली है, इवलग भाई कोई ठन्नी भी ले हो किसे पता खर्चा लेगा नहीं इसकी इवलग कराओ, लेकिन जो ईब खर्चा लगेगा तो वो ज़्यादा बोझ बन गया, क्योंकि घर वाले भी बेचारे कहें भाई इतना मां भी नहीं कर सकते। तीन लड़के हैं, 6 किले हैं, एक लड़का हादसा पहले ही उसको कैसे काम चला बन गया, चलता नहीं। 28-30 लाख रुपया ना जी कोई इसका ना ना किसी भी। तो मारी तो यही गुहार है भाई संयुक्त मोर्चा ने इस भाई का नहीं ध्यान देना चाहिए, और मैं स्पेशली अमेरिका वाला डॉक्टर मैं मिला हूँ, तो मिलने के बाद में मन अच्छा लग गया, क्योंकि वो बंदा वाकई में नेक दिल इंसान है। तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूँ भाई जो अमेरिका वाला डॉक्टर है, इसका मैं नंबर जरूर डालूंगा और आपके पास मैं पहुँचवाऊँ भी का, तो इन तक बात करें अगर आपने लग गया कि वाकई में इनकी मदद होनी चाहिए तो संयुक्त मोर्चा तक कह के, या आप खुद एक डॉक्टर हो क्योंकि कैलिफोर्निया में खुद आपका क्लिनिक है और आप इंडिया में रह कर भी इंडिया में इलाज करो हो, तो इसकी हेल्प हो जाए, ताकि घर वालों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, बहुत बोझ हो गया, और इतने रुपए किसी के पास में नहीं होंगे, 28-28, 30-30 लाख रुपया का ब्योंत किसी का नहीं होता। ठीक है जिसका आंधी माया आंधी होगी भाई उसका हो जाता होगा, लेकिन एक जमींदार में किसी का कुछ नहीं होता। तो और कुछ भाई कहना चाहते हो तो? बस और तो क्या कहना भाई साहब, मैं तो मना तो कुछ नहीं, फालतू ना मैंने किसी आज तक कुछ कहा, जो भी है मैंने आप बिल भी दिखा दिए, जो आपका श्यामी है जो भी है, बस आपने पता आपने मेरे घर अपना घर चलावागा, हरी बीमारी पर लगावा, क्या एक लड़का पहले अपंग है और ये भी बेरोजगार अभी तक, और जिम्मेदार क्या कर सकता है। 6 किले में कितनी पैदावार हो गया है जिस तो अपना घर ने भी चला ले है, खाने के दाने भी है, डांगर पशु भी खावे है उसकी, तो 28-28, 30-30 लाख रुपये, तो जिसका 28-28, 30-30 किले हैं नहीं, मैं भी मेरा से अब तक अरेंजमेंट बड़ी मुश्किल तय मैं कर पाऊँ हैं। तो मैं तो फिर सारे भाइयों तक गुहार लगाऊँ कि इस वीडियो ने संयुक्त मोर्चा तक जरूर पहुँचा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठन लग रहे हैं भाई, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जिस जिम्मेवारी के साथ मैं काम करना का इच्छुक था वो उन पर काम नहीं बनया,
विश्वास सारा जो किसानी है संयुक्त मोर्चा पर कराई थी, लेकिन उरा एक परिवार जमा पिस गया, जमा मरण की कगार पर आ रहा है कि भाई जमा सिरा पहली बार 28 लाख रुपये कटता होगा, आदमी मरना पसंद करेगा इतना में तो, क्योंकि कीमत कितनी है। तो भाई इस वीडियो ने ओड़ा तक जरूर पहुँचवाई हो, और मैं दोबारा फिर जो कैलिफोर्निया वाला डॉक्टर है, अमेरिका वाला डॉक्टर है, उससे रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि भाई डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा संज्ञान जरूर ले और इस भाई की मदद हो जाए। अगर जर्मनी वाले भाई संपर्क करना चाहें तो मैं भी इस भाई तय संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि समय समय पर जर्मनी वाले भाइयों ने बहुत मदद करी है, और मैं हमने जब भी वीडियो बनाई है वह जरूर आगे आए हैं। तो उन तक फिर रिक्वेस्ट करूँ हूँ मैं भाई, इसका जो नंबर देवांगे इस तरह संपर्क कर लियो, कॉन्टैक्ट कर लियो, आपकी भी मदद की ज़रूरत है। कोई अकाउंट नंबर नहीं देने लग रहे भाई, कुछ नहीं देने लग रहे, उद्देश्य है सिर्फ जिस तरह मदद लेनी थी उस तरह। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।